Hello student, yesterday we discussed about how to prepare debtors account, bills receivable account, creditor and bills payable account, okay? Today I will explain you trading account and profit and loss account and balance sheet. See, screen pe aap log dekh sakte ho. In the books of Sri Swami Trading, and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. यहाँ पर एक साथ उन्होंने लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बट जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट टाइम ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली बनाओ, और जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे वहाँ पर भी सेपरेटली आप मैंशन करना इन द बुक्स ऑफ श्री स्वामी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ओके, तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेसेस, वेजेस. ओके, उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो, या लॉस हो कैलकुलेट होता है वो, हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को. ओके, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी बैलेंस शीट है प्रॉब्लम में हमें जो बताया है एग्जांपल में, 1 अप्रैल 2018 की जो हमारी बैलेंस शीट है, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, तो हम जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो उस बैलेंस शीट से हम ले लेंगे. अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पर देखो, ये जो बैलेंस शीट का दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं एसेट साइड को आपको 44,600. ओके, वो स्टॉक हम यहाँ लेंगे, एक सेकंड, ये जो ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है 44,600 वो ओपनिंग स्टॉक है. ओके, देन परचेसेस हम लेंगे, परचेसेस भी हमें जो हमारा रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का जो कॉलम है हमारा, वहाँ पे हमें परचेसेस बताए हैं क्रेडिट परचेसेस 70,000 एज इट इज़, हम वो लेंगे वहाँ से. ये रफ करते हो, 70 दिखेगा आपको. उसके बाद सेल्स जो है वो कैश भी है और क्रेडिट भी है, तो क्रेडिट सेल जो है वो हमें जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का कॉलम है उसमें दिए हैं, एंड जो उसकी अमाउंट है 76,000. ओके, और उसके बाद जो कैश में हमें कैश सेल्स जो दिए हैं वो है, कैश सेल की अमाउंट है 35,820. कितनी है? 35,820, मतलब हमने कैश क्रेडिट दोनों सेल्स क्या किए हैं एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट को दिखाई हमने वहाँ पे नोट डाउन करके लिए है. ओके, उसके बाद हम स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ये मैं रफ करती हूँ तो आपको अमाउंट दिखाई देंगे. क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 59,000. क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो क्या है, 59,000. अब जो हमें ओपनिंग स्टॉक मिला था वो बैलेंस शीट से हमने लिया था. अब जो हमारा रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का जो मतलब रिमेनिंग ट्रांजैक्शन में जो बताया है स्टॉक ऑन 31st March 2019, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा 59,000. ओके, उसके बाद मैं फिर से रिपीट करती हूँ हमने क्या क्या लिया. ओपनिंग स्टॉक हमने लिए है जो हमारे पास बैलेंस शीट दी है, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2018 की, वहाँ से हमने ओपनिंग स्टॉक ले लिया. उसके बाद जो परचेसेस है वो हमें
जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है वहाँ पे क्रेडिट परचेस करके हमें परचेस की अमाउंट दी है वो हमने मेंशन की। उसके बाद सेल्स जो है वो भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे हमें क्रेडिट सेल्स बताए गए हैं और जो कैश सेल्स है वो कैश बुक में है। तो हम दोनों कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों की एंट्री हमने ट्रेडिंग अकाउंट को कर दी है। उसके बाद जो वेजेस थे, वेजेस का क्या था, 15,280 वेजेस थे जो कैश बुक में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। ओके, उसके बाद वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो 1,820 है। जो एडजस्टमेंट में बताया गया है वो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 1,820 है। एंड जो एडजस्टमेंट में मतलब ओपनिंग एडजस्टमेंट जो बैलेंस शीट जो है उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,680। जो ओपनिंग बैलेंस शीट में बताए गए हैं 2,680 वो लास्ट ईयर के हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई मतलब लास्ट ईयर का जो बैलेंस था उसमें 18 का वो है, इसलिए वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और जो एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 15,280 वेजेस थे, उसमें से हमने लास्ट ईयर के 2,680 लेस कर दिए, उसके बाद ऐड कर दिए 1,820। तो टोटल हमारा वेजेस हो गया 14,420। मैं फिर से वेजेस के एडजस्टमेंट बताती हूँ, ध्यान से सुनो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करो, जो भी एग्जांपल का प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ, वो आप लोग क्या करो, फर्स्ट आप नोटबुक में उसे राइट डाउन कर लो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, जब आप लोग वो प्रॉब्लम एक्चुअल में राइट डाउन करके लोगे नोटबुक में, दैट टाइम आपके पास क्या होगा, पूरा प्रॉब्लम आपके सामने होगा। और आपको क्या होगा कि जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ तो वैसे वैसे आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक साथ आपको सब स्क्रीन पे सब दिखा सकूँ, मतलब एग्जांपल का प्रॉब्लम भी दिखा सकूँ, सॉल्यूशन भी दिखा सकूँ। तो मुझे क्या होता है, पेज बैक लेना पड़ता है, फिर से वो आंसर के पेज पे आना पड़ता है, फिर से प्रॉब्लम के पेज पे जाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को जब बताऊंगी कि जो एग्जांपल है उसकी बैलेंस शीट देखो, एग्जांपल का कैश बुक देखो या रिमेनिंग ट्रांजैक्शन का चार्ट देखो, तो आप लोगों को वो बहुत आसानी होगी जो मैं बोल रही हूँ मतलब खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए। सी, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये देखो वो देखो और आपके पास एग्जांपल ही नहीं है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पहले क्या करो, अब ये प्रॉब्लम है तो जैसे कि आपने वीडियो स्टार्ट किया, तो जब वीडियो स्टार्ट होगा तो फर्स्ट पेज आ गया, वहाँ पे स्टॉप कर दो, बैलेंस शीट ड्रॉ कर दो, फिर सेकंड पेज आ गया वो ड्रॉ कर दो। ऐसे अगर आप सामने रखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, चलो वेजेस जो है, वेजेस हमें कैश बुक में वेजेस की इन्फॉर्मेशन हमें दी है, बाय वेजेस 15,280। ओके, उसके बाद जो बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, एक ही बैलेंस शीट है अभी हमारे पास एग्जांपल में, मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो उसमें जो वेजेस दिए हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वो है 2,680, मतलब वो लास्ट ईयर के हो गए। ओके, हमारा ईयर एंड कब है, अगर बैलेंस शीट ऑफ शुभम प्रवरान अगर एक सेकेंड ना स्टूडेंट, आपने एक बात नोटिस कर ली, यहाँ पे एग्जांपल में नाम है शुभम प्रवरानगर, लेकिन
आंसर में आपको बताया गया है इन द बुक्स ऑफ श्री स्वामी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये जो नाम है वो कट करते हैं यहाँ पे, ओके, और आप यहाँ पे लिखो इन द बुक्स ऑफ बहुत बड़ा हो रहा है इन द बुक्स ऑफ शुभम। एम ए शुभम इन द बुक्स ऑफ शुभम, ओके। तो अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च 2020 को वो ईयर एंड हो जाएगा, ओके, 31 मार्च 2019 को कैश बुक दिया है उनका, मतलब 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग है। तो वो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देते हैं, ओके। तो वो वेजेस के एडजस्टमेंट हो गई, और ये भी आप लोगों को ध्यान में आ गए, इन द बुक्स ऑफ शुभम लिखो। एग्जांपल में इन द बुक्स ऑफ शुभम है और आंसर जो दिया है बुक में वहाँ पर लिखा है इन द बुक्स ऑफ श्री स्वामी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ओके। तो इसके बाद मैं ये कट करूँगी तो ये शुभम नाम चला जाएगा, ओके। तो ध्यान से वहाँ पे श्री स्वामी के जगह आपको शुभम लिखना है, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिला है यहाँ पे हमें 41,800, ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला है 41,800, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट को शिफ्ट कर देंगे। तो हम फिर से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शुभम लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सेम डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन हमने कर लिया 41,800। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के सारे आइटम्स लिखेंगे। सैलरी अकाउंट है, मतलब टू सैलरी 23,400, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 1,080, कितनी थी 1,080, ओके। तो टोटल सैलरी हो गई 24,480। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,460, इंटरेस्ट 2,000, उसके बाद RDD है 3,000, डिस्काउंट 1,020, एंड टू रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर बिल्स रिसीवेबल है 1,080। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है, मतलब डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है किसके किसके ऊपर है, देखो डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 5%, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 2.5%, एंड फिक्चर्स के ऊपर 10% है, पेटेंट्स एंड फिक्चर्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम एसेट्स से वो लेस कर देते हैं, ओके, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग्स में से लेस डेप्रिसिएशन, मशीनरी से लेस डेप्रिसिएशन करते हैं, और उसका इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट को दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन मशीनरी 2,500, लैंड एंड बिल्डिंग 2,000, फिक्चर्स 1,500, पेटेंट्स 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन आप काउंट करके लिख सकते हो 8,000, या फिर डायरेक्टली आप लोगों ने आउटर को भी लिखा टू डेप्रिसिएशन मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फिक्चर्स पेटेंट्स, तो हम कर सकते हैं, ओके। उसके बाद टू जनरल रिजर्व 10,000, एंड
क्रेडिट साइड को जाता है बाय कमीशन 5,000, बाय रेंट 22,000 एंड बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट एंड बाय डिस्काउंट, बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट है 240 जो दिया है हमें एंड डिस्काउंट है 740। मतलब ये कहाँ से आए, जो हमारा डिस्काउंट टू सप्लायर्स जो था, मतलब हमने डिस्काउंट दिया था, जो रिमेनिंग हमारा ट्रांजैक्शन है उसमें है 740, वो लिखा हमने। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिला है 18,740। ओके, अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते हैं, दैट टाइम हमें पता है कि डेबिट साइड को हम सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट को सारे इनकम्स लिखेंगे। ओके, तो ये बात तो तय है हमें। फिर भी अगर अब यहाँ पर रेंट जो है बाय रेंट 22,000, तो उसका क्या हुआ है, जो रिसीट साइड कैश बुक की जो रिसीट साइड थी, रिसीट साइड को रेंट है मतलब क्या है वो हमें मिला है। ओके, अगर वो पेमेंट साइड को होता तो वो हमारा मतलब खर्चा होता, लेकिन रिसीट साइड को रेंट है मतलब वो हमें मिला है, इसलिए हमने वो क्रेडिट को दिखाया है। ओके, जब जैसे मैंने बताया, आप लोग जब प्रॉब्लम सामने रखोगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगी आप लोगों को, या फिर अगर आप असाइनमेंट सबमिट करने अगर आने वाले हो तो पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। वैसे हम एक दिन लेक्चर एडजस्ट कर सकते हैं, मैं कॉलेज आके लेक्चर ले सकती हूँ, लेकिन सिर्फ पहले बता देना, ऐसे नहीं कि आप कल रात में मुझे एक दिन फ़ोन किया पहले दिन कि हम कल आ रहे हैं, वैसे मत करना। ओके, देन उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, दैट टाइम अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और वहाँ से हम कैपिटल के अमाउंट निकाल लेते हैं। बट अगर हमारे पास कैपिटल ऑलरेडी है तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब हम बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट होता है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 होगा, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। ओके, तो जब लायबिलिटी साइड की बात आती है तो क्या क्या आएगा लायबिलिटी साइड को, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन्स, देन अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है फॉर एग्जांपल वेजेस, सैलरी, तो वो आएगा, जनरल रिजर्व, कैपिटल और ड्राइंग, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो एसेट पर ट्रांसफर होगा। ओके, तो यहाँ पे अब सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 78,660 क्रेडिटर्स कितने हैं, 78,660। अब देखो, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हमारे पास तो क्रेडिटर कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पेमेंट साइड को क्रेडिटर्स है 41,000। ओके, उसके बाद हमें दिखाई दे रहे हैं क्रेडिटर्स 69,800, कितने हैं 69,800। ओके, और कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं, तो हम जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 78,660। क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं था हमारे पास, सिक्सटी एट, एंड देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा पॉइंट है वो बिल्स पेबल,
बिल्स पेबल लोन था बिल्स पेबल है 26,600, उसके बाद लोन है 30,600 लेस अमाउंट पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी लेस अमाउंट पेड 10,600, लेस लोन जो है हमारा, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में लोन से 30,600 कितना दिखाई दे रहा है, 30,600। ओके, लेस हम क्या करेंगे, लेस अमाउंट कर देंगे कितनी है 10,600, कितनी लेस कर देंगे 10,600, जो कैश बुक के पेमेंट साइड को आपको दिखाई देगी बाय लोन पे 10,600, और जो लोन है वो बैलेंस शीट को दिखाई दे रहा है 30,600, उसमें से हम माइनस कर देंगे 10,600। ओके, तो टोटल लोन हो गया 20,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस है 1,820 एंड सैलरी है 1,080। ओके, मतलब 2,900 क्या हो गई हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व है 20,000, जनरल रिजर्व कितने हैं 20,000 है, और उसके ऊपर 4 नंबर की एडजस्टमेंट है। जनरल रिजर्व के ऊपर 4 नंबर की एडजस्टमेंट क्या है, ट्रांसफ़र रुपीज़ 10,000 जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व को 10,000 ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब 20,000 में 10,000 ऐड करने हैं हमें, और जनरल रिजर्व को जाते हैं 30,000। ओके, उसके बाद कैपिटल बैलेंस जो हमारे पास है वो है 1,20,600। हमारे पास कितना कैपिटल बैलेंस है, 1,20,600 जो बैलेंस शीट में दिया है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे जो कैश बुक में कैपिटल दिया है 15,000, कैश बुक में 15,000 कैपिटल दिया है वो ऐड कर देंगे, देन जो नेट प्रॉफिट आया है 18,740 वो भी ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कैपिटल हो गया 1,54,340, उसमें से हम ड्राइंग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 8,940, उसमें से हमने क्या किया, लेस ड्राइंग्स 8,940, मतलब हमारा टोटल कैपिटल जो है वो है 1,45,400। ओके, अब हम आएंगे एसेट साइड को। अब एसेट साइड को क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग थी 80,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था, लेस करेंगे 2,000 तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 78,000, मशीनरी 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,500, मतलब 47,500। उसके बाद पेटेंट्स 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000, मतलब पेटेंट्स 80,000, फिक्चर्स 15,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,500, मतलब फिक्चर्स होगा 13,500, इन्वेस्टमेंट 8,000, और जो एक्रूड इंटरेस्ट था वो 240 था वो ऐड कर देंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई 8,240, स्टॉक 59,000, देन बिल्स रिसीवेबल है 21,600, लेस प्रोविजन करेंगे 1,080, और डेटर्स थे 60,000, और उसके ऊपर आरडीडी थी 3,000, आरडीडी कितने थे 3,000, तो डेटर्स हो गए 57,000, कैश एट बैंक 220 एंड कैश इन हैंड 1,580, मतलब टोटल बैलेंस शीट की हो गई 3,00,003,000
560। सेवेंटी वन सेवेंटी टू। आप एक बार ट्रेडिंग की टोटल करके देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की करके देखो, और बैलेंस शीट की प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो अमाउंट इधर 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 उधर हो सकती है। ओके, आपको समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा, क्योंकि एक्चुअल बोर्ड में सिखाना और ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत डिफरेंट होता है। फिर भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को। हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट ले लिया, ट्रेडिंग में देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और परचेसेस, और वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट थी। लास्ट ईयर के वेजेस हमने लेस कर दिए और करंट ईयर के ऐड कर दिए। ओके, तो जो करंट ईयर के वेजेस थे वो हम बैलेंस शीट के वहाँ दिखाएंगे, लास्ट ईयर के वेजेस की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये करंट ईयर का है इसलिए। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वो हो गया 41,800। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर देंगे, उसमें जो एक्सपेंसेस है पेमेंट साइड के, जो पोस्टिंग है वो डेबिट को जाएंगे, रिसीट साइड के और इनकम के सब क्रेडिट साइड को जाएंगे। ओके, इसमें मैंने जैसे बताया था पहले, आप लोग क्या करोगे, प्रॉब्लम रीड करने के बाद जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे टिक आउट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो हमने ऐड कर दी। उसके बाद आरडीडी डायरेक्टली पोस्ट कर दी, आरडीडी। उसके बाद रिजर्व और डाउटफुल बिल डिसऑनर डिसऑनर बिल का था 1080, वो पोस्ट किया। देन हमने डेप्रिसिएशन पोस्ट कर दिया, मतलब कैलकुलेट करके मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्चर्स एंड पेटेंट्स के ऊपर। फिर ये डेप्रिसिएशन हम जो एसेट्स है उसमें से हम लेस कर देंगे। देन हमने रिजर्व, जनरल रिजर्व का पोस्टिंग कर दिया, जो टोटल जनरल रिजर्व जो था वो 20,000 था, और हमें शिफ्ट मतलब ट्रांसफ़र करना था 10,000, तो हमने वो दिखा दिया। उसके बाद कमीशन थे वो पोस्ट किया, क्रेडिट को रेंट था रिसेट साइड का वो क्रेडिट को पोस्ट किया, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट था वो भी दे दिया 240 रुपीज़, एंड डिस्काउंट जो था वो 740 भी हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जो प्रॉफिट था वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल है तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाते, अगर नहीं है तो बनाते हैं, और वो बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल होता है। ओके, इसके बाद हम कैपिटल में क्या करते हैं, अगर कुछ एडजस्टमेंट है या कैश बुक में अगर कुछ कैपिटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो ऐड करते हैं, लेस करते हैं, डिपेंड ऑन क्या इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर रहता है वो एडिशन और एडिशन करना या माइनस करना। देन कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, अगर लॉस है तो वो लेस करते हैं, और ड्राइंग्स लेस कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग जो होते हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, और बिजनेस से अगर हम कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल से अमाउंट लेते हैं तो वो एज अ लोन हो जाता है। ओके, देन उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे वो भी यहाँ पे पोस्ट कर दिए। उसके बाद एसेट साइड को जितने भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन था वो लेस करके एसेट मेंशन कर दी। देन आरडीडी भी हमने वहाँ पे लेस करके डेटर्स के अमाउंट लिखी। ओके, ये सब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना।
तो प्रैक्टिस करो, और जैसे बताया वैसे प्रॉब्लम आप सामने रखो और फिर वीडियो देखो, तो आपको आंसर पता चलेगा। ओके, थैंक यू।